शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ शमशाद अली जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। शमशाद जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और अपना सवाल पूछिए। दिल्ली से, इन्फोसिस का ना 40 क्वांटिटी हमने लिया था, अभी दो दो ढाई महीना हो गए। 1600 कुछ पे लिया था, एवरेज किया था तो 1600 में 4 रुपए कम है, यानी कि 1594 पे है। ऊपर जा सकता अच्छा। है, नीचे जा सकता है, निकलना है। चाहिए। आपको सलाह दिलवा देते हैं हल्का, आईटी स्टॉक्स में हमें हाल फिलहाल में थोड़ा अंडर परफॉर्म तो किया है, इनके पिछले तिमाही के नतीजे भी कुछ खास नहीं थे। हालांकि डील्स की तो बात की जा रही है, लार्ज कैप कंपनियों के लिए भी अच्छी डील्स की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल आउटलुक थोड़ा इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है। और अब चौथी तिमाही के अब नतीजे आना भी शुरू होंगे, तो उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है आने वाले समय के लिए। कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है इस पर ये चीज़ें काफ़ी निर्भर करेंगी। आज TCS के नतीजे भी हैं, ये भी हम आपको बता दें। लेकिन इन्फोसिस, ध्वनि क्या सलाह होगी आपकी? इनका जो एवरेज प्राइस है वो 1600 के आसपास है, अभी तो नुकसान हो रहा है, उसके भी नीचे आ चुका है ये स्टॉक, 3 महीने ऑलरेडी दे चुके हैं, आगे के लिए क्या करें स्टॉक में? सोलह यहाँ पे अगर इन्फोसिस का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। डेली स्ट्रक्चर जो है इसका वीक हो चुका है नीचे की तरफ। हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो 1470 से 1480 के पास बनाया हुआ है। सो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अभी आपने 3 महीने होल्ड करा हुआ है तो थोड़ा और एक टाइम पीरियड इसको दे दीजिए। 1470 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तो एक रिवर्सल बाउंस आना चाहिए जहाँ पे इनको इनके खरीद भाव के पास एग्जिट सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली आपको 1470 का लगा के चलना है। लॉस के साथ आगे बढ़ना है। जब हमारे साथ जुड़े परमेश्वर जी, परमेश्वर जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मैं राजस्थान के राजगढ़ से बोल रहा हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। मेरा सवाल मैडम, जो AU विशाल फाइनेंस बैंक है उसके मैंने 76 शेयर खरीदे हैं 594 रुपए और 8 पैसे के भाव से, ठीक है? तो अभी मैं चाहूंगा कि मुझे, हालांकि अभी तो अच्छा। मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस पे 6.5% का, तो इसे मैं लंबे समय तक भी होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या मुझे करना चाहिए या अभी बाय कर देना, वो सेल कर देना चाहिए? ठीक है, ठीक है, आपको राज दिलवा देते हैं। संतोष जी, थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है इनका, हालांकि इस पूरे साल हमने देखा स्टॉक टूटा भी काफ़ी है, लेकिन अब रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा है। 634 के भाव पर क्या इन्हें मुनाफा लेकर अपने निकल जाना चाहिए और तेज़ी के लिए भी वेट करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में? देखिए थोड़ा महंगा है स्टॉक, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, और जहाँ पर ग्रोथ रहती है थोड़े स्टॉक्स महंगे रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक अगर देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा तकरीबन जो है 3.8 times प्राइस टू बुक पे है ये स्टॉक। लेकिन ग्रोथ एट द सेम टाइम अगर आप देखें प्रीवियस ईयर में मोर देन 30% की ग्रोथ रही है, जो कि TTM बेसिस पर देखेंगे तो 40-45% के आसपास की ग्रोथ रही है, जो कि बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ जो है रन रेट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी, आपको होल्ड रखना चाहिए, एकदम होल्ड रखें, क्योंकि ऊपर से गिरा भी है, बीच में थोड़ी सी टेपेड हुई थी ग्रोथ जिसके कारण की थोड़ा स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुए हैं, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि इसमें जो है उछाल आएगा और आप का 750-800 वापस हो सकते हैं कि इसमें भाव देखने को मिले, वहां पर आप बुक करें प्रॉफिट।